नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दाल की महंगाई पर राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम पर कसा तंज। कहा, दाल की चोरी हो रही है लेकिन चौकीदार चुप है। कस्बों में बच्चे कह रहे हैं हर मोदी हर मोदी। जीएसटी पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। जीएसटी में संविधान संशोधन विधेयक में बदलावों को मंजूरी। अब राज्यसभा में पारित होने की उम्मीद। यूपी में चल रही राजनीतिक उठापटक की धमक दिखी। बिहार में मायावती समेत 4 बीएसपी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। बीजेपी नेता ने दायर किया था आरोप पत्र। नरेंद्र मोदी को मारकर गोधरा का बदला लेना चाहता था अबू जिंदाल। तोगड़िया को भी मारने की थी साजिश। मुंबई की मकोका कोर्ट ने लश्कर आतंकी अबू जिंदाल समेत 11 को दोषी ठहराया। और मशहूर लेखिका और समाज सेवी महाश्वेता देवी का 90 साल की उम्र में निधन। रक्त संक्रमण से थी पीड़ित। ज्ञानपीठ पद्मश्री और मैग्सेस पुरस्कार से थी सम्मानित। मुंबई के विशेष मकोका कोर्ट ने गुरुवार को 26/11 हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे आतंकी अबू जिंदाल समेत 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लोगों को इस मामले में बरी भी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान जो दलीलें और सबूत पेश किए गए उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हमले के लिए हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे। साथ ही ये भी माना कि आरोपी इन हथियारों के जरिए गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यह साफ होता है कि इन हथियारों के जरिए आरोपी शांति भंग की साजिश रच रहे थे। इन लोगों ने नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया को भी मारने की साजिश रची। सरकार ने जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को गुरुवार को मंजूरी दे दी। राज्यों को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है। इसके साथ ही जीएसटी अमल में आने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक में ये भी प्रावधान किया जाएगा कि जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में मामला जाएगा और वही फैसला करेगी। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के प्रतिनिधि होंगे। महंगाई पर लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है। एनडीए सरकार के 2 साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया और पीएम ने अपनी योजनाओं का बढ़ चढ़ कर बखान किया, लेकिन महंगाई पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने दाल, टमाटर, आलू के बारे में बात नहीं की। पीएम महंगाई पर नहीं बोल सकते क्योंकि वह साफ दिखती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को पीएम ना बनाकर चौकीदार बनाने की बात कही थी। देखिए, अब चौकीदार की नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। पीएम अब बड़े आदमी हो गए हैं, अब चौकीदारी हम पर छोड़ दें। बड़े उद्योगपतियों को फायदा हुआ लेकिन किसान, मजदूर और गरीब महिलाओं को फायदा नहीं हुआ। राहुल बोले, अब गांव में, कस्बों में एक नया नारा चला है, अरहर मोदी अरहर मोदी। उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक की धमक बिहार में भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीच चल रही अभद्र टिप्पणियों का मामला अब बिहार के न्यायालय तक जा पहुंचा है। गुरुवार को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बसपा सुप्रीमो मायावती समेत 4 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ हाजीपुर के नगर थाना में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी को बीएसपी नेताओं की ओर से गाली गलौज करने और आपत्तिजनक बयान देने पर हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में मायावती सहित 4 लोगों पर आरोप पत्र दायर किया गया। बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य अजीत कुमार ने आरोप पत्र दायर किया। मशहूर साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का निधन हो गया है। वे 90 वर्ष की थी। पिछले काफी समय से कोलकाता के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। महाश्वेता देवी को उम्र संबंधी समस्याएं होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुर्दे के काम न करने और रक्त में संक्रमण होने के कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। ज्ञानपीठ पद्मश्री और मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय लेखिका लंबे समय से उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी। दुबई से केरल के कोची जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक मुसाफिर के जरिए ISIS के समर्थन से जोर शोर से नारे लगाने के बाद विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। CISF ने IS के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये साफ नहीं है कि IS के समर्थन में नारे लगाने वाला शख्स किस देश का नागरिक है।
पुलिस ने इससे जुड़ी जानकारी साझा करने फिलहाल मना कर दिया है। ये विमान करीब सुबह 4 से 5 बजे जैसे ही दुबई से रवाना हुआ, थोड़ी देर बाद ही इस मुसाफिर ने आईएस के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। क्रू मेंबर तुरंत हरकत में आया और फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया। इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आईएस के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने और विमान की पुख्ता जाँच के बाद मुंबई से कोची के लिए रवाना कर दिया गया है। विमान में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। संसद में वीडियो बनाने के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने लोकसभा जांच कमेटी की लिखित में जवाब दे दिया है। मान ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मामले को बंद किया जाए। मान ने 5 पेजों के लेटर में जवाब दिया है। कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को जवाब सौंप दिया है और मान को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। भगवंत मान को गुरुवार को 3 बजे तक जांच कमेटी के सामने पेश होना होगा। आप सांसद के इस मामले की सुनवाई 9 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है। जांच कमेटी की पिछली बैठक में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने माना कि भगवंत मान की इस हरकत से सांसद की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी शामिल थे, हालांकि उनके बयान पर कमेटी ने असंतोष जताया था। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।